अपनी शादी को लेकर है बहुत एक्साइटेड। यहाँ बुलबुल बात कर रही है अपनी एंगेजमेंट लुक के बारे में। हेयर स्टाइल का क्रेडिट आज मुझे जाता है बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू बी वेरी सिंपल, क्योंकि ड्रेस इतना एलिगेंट है, इतना भरा हुआ है। सो आई थॉट कि लेट्स मेक द हेयर लिटिल सिंपलर बिकॉज कुछ वो बैलेंस हो जाता है। ऑल्सो द मेकअप यू फील सी इट्स ओनली द लिपस्टिक दैट्स काइंड ऑफ ब्राइट, अदरवाइज पूरा थोड़ा नॉर्मल है। बिकॉज अगर अभी नॉर्मल नहीं रहूँगी तो शादी में जो यू नो द वे आई एम गोइंग टू ड्रेस अप एंड द मेकअप दैट आई एम गोइंग टू पुट इज समथिंग दैट यू नो इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। So I want it different. Also, the only jewelry that I'm wearing, except bangles, is my earrings, which is very nice. दिखता है heavy है, पर है नहीं. So I'm very comfortable in what I'm wearing today. So I'm very happy. जितना मेहंदी का रंग आ रहा होता है, इतना प्यार ही होता है. हम लोग देख रहे हैं कि बुलबुल के हाथों में जो मेहंदी लगी है, जो अभी थोड़ी सी जा चुकी है क्योंकि बहुत दिन हो गए लगा के. You can make out from here कि कितनी dark हुई थी. Oh God. Actually, the credit goes to me. It's my hands. Actually, मेरा प्लान तो था भाग के शादी करना, कुछ एक्साइटिंग सा करना, बट देखा जाए इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स जो भी देखेंगे आप, उससे मेरा पेट भर जाएगा एंड आई विल बी हैप्पी विद दैट एंड आई एम श्योर आई विल बी डांसिंग विद पूरब। ऑल थैंक्स टू अभिष जीजू, क्योंकि उनके वजह से ये शादी हो पा रही है। रोका के बाद अभी फाइनली एंगेजमेंट होने जा रही है एंड आई थिंक ऑल फॉर ऑल द राबुल फैंस इट्स द मोमेंट दैट यू दे गोना सी इन द कमिंग एपिसोड्स एंड आई एम सो हैप्पी विद द फैक्ट दैट फाइनली इतना रोने के बाद वी आर गेटिंग मैरिड एंड एंगेजमेंट इज द सेकेंड स्टेप। उसके बाद संगीत होगा, उसके बाद हल्दी, फिर शादी एंड इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जैसे कि आपने अभी देखा होगा अबाउट द एसिड अटैक। सो आलिया इज नॉट लेटिंग मी गेटिंग मैरिड टू पूरब सो ईजीली, सो मस्ट वॉच। ये तो शुरुआत है क्योंकि अभी शादी की ढेर सारी रस्में बाकी हैं और हमें इंतजार रहेगा बुलबुल को हर लुक में देखने का। कैमरामैन मंगेश के साथ नेहा साउंड इंडिया फोरम मुंबई। हाय, दिस इज मृणाल ठाकुर, कीप वॉचिंग इंडिया फोरम्स एंड सब्सक्राइब टू व्हाट्सएप टीवी।